अब तक की कहानी में आपने देखा कि तृष्णा राजदीप के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन हद उस दिन हुई जब तृष्णा राजदीप को डिनर पर ले गई। आप आ गए। सरप्राइज है, सरप्राइज की तरह ट्रीट तो करने दीजिए। अब आंखें खोलिए और हमें ये बताइए कि आपको सरप्राइज कैसा लगा। राजदीप, राजदीप क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। तुम्हें पता है मुझे पुरानी चीजों और पुरानी चीजों से नफरत है, सख्त नफरत। कृष्णा ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा, और कृष्णा इस हादसे के बाद बहुत डर गई। क्या करूं मैं? किसे कॉल करूं? कृष्णा दी, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। इतनी रात को कृष्णा सुनसान सड़क पे अकेली है? इतनी रात को तो कोई भी लड़की सेफ नहीं है। आप सही कह रहे हैं राज, मगर आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी शाम खराब हो गई। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरी शाम खराब होगी, क्योंकि तृष्णा परेशानी में है। मैं तो उधर सुजाता पर अत्याचार होते हैं जब उसकी शादी पेड़ से करा दी जाती है। सुजाता को विधवा दोष है। अब उस दोष से मुक्ति पाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है, वरना
मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। अभी सुजाता की शादी इस पेड़ के साथ होगी। तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। ऐसा अनोखा विवाह देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जाता दी ये रस्म नहीं निभाएगी। दी, आप ये रस्म नहीं निभाएंगी। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन सुजाता इस सब को अपने प्यार और उसकी सलामती के लिए चुपचाप सह लेती है। रुक जा त्रिशना, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करो तो उसके लिए ये सब कई बार सहना पड़ता है। मैंने राघव से सच्चा प्यार किया है। मैं राघव के लिए, उसके प्यार के लिए सब सहूंगी। इधर तानिया के मन में शक का बीज पनपने लगता है जब वो तृष्णा और राज को अक्सर अकेले में बात करते हुए देख लेती है। वो उस दिन हम दोनों डिनर पे गए थे, पता नहीं वहां उसको समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच आखिर ये क्या चल रहा है। वो सच निकला। त्रिशना भी चुपके से रात से मिलने आई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रही हूँ। आखिर त्रिशना भी और राज के बीच ऐसा क्या चल रहा है? सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। त्रिवेदी जी अपनी राजनीति के खेलते हैं दांव पेच राघव की सगाई पर। थोड़ी ही देर में ड्रामा शुरू होता है। आज मेरे बेटे राघव की एंगेजमेंट सेरेमनी है, सो प्लीज आप सब लोग वेलकम कीजिए हमारे खानदान की होने वाली बहू का। सुजाता के ऊपर किस्मत का बार बार प्रहार होता है और वो अपने राघव की सलामती के लिए सब कुछ सहती रहती है। मैंने त्रिवेदी जी को कितना समझाया कि इस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता न करे। आप लोग मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं? इसकी शुद्धि कराने और राघव की जान बचाने। कुछ तो मेरे जीवन में गलत है, मुझे शुद्ध किया जा रहा है तो जरूर मैं अशुद्ध हूँ। लोग सही कहते हैं कि अगर मैं राघव की जिंदगी में कदम रखती हूँ तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं राघव के काबिल नहीं हूँ। नहीं, मैं राघव के काबिल।
तृष्णा ने अभी अपने आप को संभाला ही होता है कि एक दिन उसके हाथ लगता है एक ऐसा एल्बम जो उसकी जिंदगी में तबाही मचा देता है। इजाजत किसने दी तुम्हें? राजदीप, अलमारी बहुत गंदी थी, मैं बस साफ कर रही। मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया तुमने तृष्णा? तृष्णा, तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। और एक बात तुम साफ साफ समझ लो, अपने काम से काम रखो, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। जस्ट स्टे इन योर लिमिट, यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ? तेरे कोई टेंशन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो? भी मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती है? मना किया मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो तुम। मैंने बस कबर्ड साफ किए, मुझे नहीं पता था राजदीप इतना नाराज हो जाएंगे। कृष्णा बेटा, अगर राजदीप को नहीं पसंद है कि कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए तो क्यों लगाती है? तू तो इंटेलिजेंट लड़की है, अरे पूछ लिया कर उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। चल बेटा, सॉरी बोल दो उसे। I'm sorry. सारी बीती हुई बातें, सारे गुजरे हुए पल मेरी आंखों के सामने आने लगे मां। मेरा दीप मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। मैं चाहकर भी पुरानी चीजें भुला नहीं पा रहा। वो बीते हुए पल इस तरह बिगड़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देख बेटा, अगर कृष्णा को सार्वम के बारे में पता चल गया हो जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, एक चीज याद रहे, ये राज राज ही रहना चाहिए। इसलिए हम सबकी भलाई है। तृष्णा निर्णय लेती है कि वो राजदीप के अतीत को हमेशा के लिए भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आज को खत्म कर देते हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब से राजदीप के आज को, उनके आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगी और बस यही करूंगी। बहुत अच्छा लगा, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम खुद ही समझ गई हो। मैं हमेशा तुम्हारे और राजदीप के लिए दुआ करूंगा कि तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। और हाँ, जब कभी भी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े बस एक बार याद कर लेना, मैं मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। आज के बाद मैं आपकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में आपसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं ये बात समझ गई हूँ राजदीप, अतीत अतीत होता है और अगर हम उसे आज मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को बर्बाद कर देगा। कृष्णा, जिस सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे
सिर्फ तुमसे प्यार करता। ना चाहते हुए भी अतीत की परछाई तृष्णा के सामने एक आईना बनकर खड़ी हो जाती है। वो राजदीप के साथ प्यार से रहना चाहती है, लेकिन ये बक्सा कहाँ रखूं? वहीं पे रख दीजिए काका, और ऐसे सारे बॉक्सेस आप एक साथ ही रखिए वहाँ पे, ठीक है? ये सब क्या है? किसकी फोटोग्राफ्स हैं? कैसे लेटर्स हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजदीप ने ये चीजें और ये जली हुई फोटोग्राफ इतनी संभाल के क्यों रखी? क्या वजह हो सकती? आपको मेरा एक और काम करना होगा। बोलो। आपको मेरी कबर्ड में से ये नई ड्रेस निकालनी होगी। बस इतना सा काम है। ऑफ कोर्स, बंदा हाजिर है। राइट नाउ। ये वाली Thank you.
अब क्या होगा? उन्होंने सब देख लिया। वो दोबारा से मुझसे नाराज हो जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। क्या जब कोई अपने प्यार का आशियाना बनाना चाहता है तो ऐसा होता है? देखते रहिए हमारी बेटियों का विवाह।